हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, दिस इज लेक्चर नंबर 18 ऑफ आवर क्रैश कोर्स प्रोग्राम। और आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट कमिटीज एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। अब देखिए, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सेम चीजें आपको देखने को मिलेगी कहाँ पे? चीफ मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो वो आप खुद से कर सकते हैं, ओके? क्योंकि चीजें सिमिलर हैं, कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब देखो, कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज है मेरा आप लोगों के लिए। सबसे पहला देखिए, ऑलमोस्ट 50% सिलेबस हमने कवर कर लिया है पॉलिटी का। तो देखिए, अब आपको प्रैक्टिस करनी है, आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए, और यही तरीका होता है प्रीलिम्स को क्रैक करने का। तो प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे? आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। और देखिए, प्रेप आईएएस की टेस्ट सीरीज 22 जनवरी से स्टार्ट हो रही है, और ये टेस्ट सीरीज पूरी तरह से अलाइन है विद आवर क्रैश कोर्स प्रोग्राम, ओके? तो इसमें सेक्शनल पेपर्स हैं, फुल सब्जेक्ट पेपर्स हैं, फुल लेंथ पेपर्स है। टोटल 35 पेपर्स आपको अटेम्प्ट करने को मिलेंगे, और आपका 3 टाइम रिवीजन हम इंश्योर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दैट टेस्ट सीरीज इज अलाइन विद दिस क्रैश कोर्स प्रोग्राम। तो जो आप पढ़ रहे हो उसकी प्रैक्टिस आपकी साथ साथ होती जाएगी। इट्स अ पेड कोर्स। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ओके? सेकेंड मैसेज मेरा यह है कि अगर आपको हमारे ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारा ये फ्री इनिशिएटिव पसंद आ रहा है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना, फॉरवर्ड करना न भूलें, ताकि जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी इस फ्री इनिशिएटिव का फायदा हो सके, ओके? चलिए, तो अब शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। लेट्स स्टार्ट। और सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर की। तो देखिए, अगर हम यूएसए प्रेसिडेंट की बात करते हैं, तो अगर हमें इनको कंपेयर करना है इंडिया से, तो हम कंपेयर करेंगे विद इंडियन प्राइम मिनिस्टर, नॉट इंडियन प्रेसिडेंट। तो आप समझ सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कितने पावरफुल होते हैं, ओके? हमें यह भी पता है कि इन पार्लियामेंट्री सिस्टम डुअल हेड्स होते हैं, एक है प्रेसिडेंट और एक होते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो प्रेसिडेंट क्या है? ये नॉमिनल हेड है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, इनको डी ज्यूरे हेड भी बोलते हैं, ओके? एक सेरिमोनियल पोजीशन है, ये हेड ऑफ द स्टेट भी है, जबकि प्राइम मिनिस्टर रियल एग्जीक्यूटिव हेड है, रियल पावर्स इनके पास होती हैं, ओके? डी फैक्टो एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो इनपे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि प्राइम मिनिस्टर के पास कितनी पावर्स होती हैं, ओके? तो अब देखो, अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इनका इनका सिलेक्शन वगैरह किस तरह से होता है? तो देखिए, इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं दिया गया है फॉर सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। कोई भी स्पेसिफिक प्रोसेस नहीं दिया है जो आपको फॉलो करना है। बट अगर हम आर्टिकल नंबर 75 की बात करें, तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर शेल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। आर्टिकल नंबर 75 क्या लिखा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। बट क्या इसका मतलब यह है कि प्रेसिडेंट किसी को भी बना दे प्राइम मिनिस्टर? नहीं, ऐसा नहीं होता है। और यहाँ पे हम पार्लियामेंट्री सिस्टम के कन्वेंशन को फॉलो करते हैं। और ये कन्वेंशन क्या है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी को या कोलिशन ऑफ पार्टीज को मेजोरिटी मिली है इन लोकसभा इलेक्शन, उसका जो लीडर होगा ना, उसी को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे एज प्राइम मिनिस्टर। मैं फिर से रिपीट कर दूं, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं है, ये कन्वेंशन है।
कि जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को या फिर कोलिशन को मेजोरिटी मिलती है, मींस 272 और मोर इतनी सीट्स मिलती हैं इन लोकसभा इलेक्शन, उसके लीडर को बनाया जाएगा प्राइम मिनिस्टर। ओके, तो ये कन्वेंशन है। बट देखो, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि किसी को भी, किसी भी सिंगल पार्टी को या कोलिशन को इतनी सीट्स ना मिले, तो उस केस में प्रेसिडेंट अपना खुद का डिस्क्रिशन यूज करते हैं कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा। तो जब किसी पार्टी के पास क्लियर मेजोरिटी नहीं है या कोलिशन के पास भी नहीं है, उस केस में प्रेसिडेंट अपना पर्सनल डिस्क्रिशन यूज करते हैं। और जनरली होता क्या है, जो लार्जेस्ट पार्टी होती है, जिसके पास सबसे ज्यादा सीट्स होती है या कोलिशन, उसके लीडर को बनाया जाता है प्राइम मिनिस्टर। और फिर कुछ टाइम दिया जाएगा कि इस टाइम में आप अपनी मेजोरिटी प्रूव करिए लोकसभा में। तो ये प्रोसेस होता है। अब देखो, एक केस और होता है जहां पे प्रेसिडेंट अपना डिस्क्रिशन यूज करते हैं। मान लो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में है, उनकी डेथ हो जाती है एंड कोई ऑब्वियस सक्सेसर नहीं है कि अब नेक्स्ट पीएम कौन होंगे, तब फिर प्रेसिडेंट अपना डिस्क्रिशन यूज करते हैं। बट अगर रूलिंग पार्टी ने चुन लिया है कि भाई ये हमारे पीएम होंगे, तब आपके पास कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है, प्रेसिडेंट को उन्हीं को बनाना पड़ेगा। ओके, तो ये कन्वेंशन है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, इस पे क्वेश्चन आते हैं। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट, ये लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब देखो, 1980 का दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है, उसमें उन्होंने ये कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिक्वायर दैट अ पर्सन मस्ट प्रूव मेजोरिटी फर्स्ट एंड उसके बाद पीएम बनाओ, ऐसा नहीं है। क्या किया जाता है, पहले पीएम बनाया जाता है और उसके बाद कुछ टाइम पीरियड आपको दिया जाएगा, ठीक है? तो उस टाइम पीरियड में आप मेजोरिटी जो है आप प्रूव कीजिए। ओके, सो दिस इज दिल्ली हाई कोर्ट। अब देखो, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, तो उन्होंने यह कहा था कि पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा, कैन बी अपॉइंटेड एज पीएम फॉर 6 मंथ। देखिए, पीएम बेसिकली क्या है, एक मिनिस्टर ही तो होते हैं। तो हमने देखा था कि मिनिस्टर को एमपी होना जरूरी है, ठीक है? बट 6 मंथ के लिए किसी भी पर्सन को आप बना सकते हो, बट विद इन 6 मंथ आपको एमपी बनना पड़ेगा। ये चीज हमने देखी थी। तो वही चीज प्राइम मिनिस्टर के साथ भी है, आप किसी भी पर्सन को बना सकते हो प्राइम मिनिस्टर। ओके, बट द थिंग इज 6 मंथ के अंदर आपको किसी हाउस की मेंबरशिप लेनी होगी। ओके, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑलराइट, अब देखो, जो प्राइम मिनिस्टर है वो लोकसभा के मेंबर भी हो सकते हैं, वो राज्यसभा के मेंबर भी हो सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, इन केस ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर या तो लोकसभा के मेंबर होंगे या राज्यसभा के मेंबर होंगे, जबकि ब्रिटेन में क्या होता है, वहां पे जो पीएम है वो हमेशा लोअर हाउस के मेंबर होंगे, हाउस ऑफ कॉमन्स। और देखो, इलेक्टेड मेंबर भी हो सकते हैं या फिर नॉमिनेटेड भी हो सकते हैं। ओके, तो हमारे माइंड में क्या होता है कि जो नॉमिनेटेड मेंबर है वो पीएम या वो मिनिस्टर नहीं बन सकता है। भाई ऐसा नहीं है, ये नहीं लिखा हुआ है, आपको बस मेंबर होना है, भले ही आप इलेक्टेड हो या नॉमिनेटेड हो। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट अपने क्लियर आप रखिएगा। ओके, सो प्राइम मिनिस्टर मे बी अ मेंबर ऑफ एनी ऑफ टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, एग्जाम्पल डॉक्टर मनमोहन सिंह वो राज्यसभा के मेंबर थे। ओके, अब देखो, जो मिनिस्टर्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इनको ऑथ लेनी होती है। ओके, तो ये दो ऑथ लेते हैं, एक होता है ऑथ ऑफ ऑफिस और एक होता है ऑथ ऑफ सीक्रेसी। ये ऑथ क्या होती है कोई आपसे नहीं पूछेगा, बट ये पता होना चाहिए कि कौन एडमिनिस्टर करवाता है, तो इट इज द प्रेसिडेंट। के साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट ये शपथ दिलवाते हैं, कोई और नहीं दिलवाएगा। ओके, इज दिस क्लियर? तो एक होती है ऑथ ऑफ ऑफिस और एक होता है ऑथ ऑफ सीक्रेसी। ओके, देखो, सीक्रेसी का मतलब क्या है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है, ठीक है, आप उसको रिवील नहीं करेंगे, ठीक है, उसको सीक्रेट रखेंगे। ओके, दिस इज ऑथ ऑफ सीक्रेसी। अब बात आती है टर्म की। देखिए, इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन
प्राइम मिनिस्टर की जो टर्म है वो फिक्स नहीं है, क्योंकि वो ऑफिस में तभी तक रहेंगे जब तक वो एंजॉय कर रहे हैं क्या लोकसभा का कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर की टर्म फिक्स नहीं है, एंड ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, बट इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट जब चाहे उनको रिमूव कर दें, नहीं ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो जब तक प्राइम मिनिस्टर के पास कॉन्फिडेंस होगा लोकसभा का, तब तक प्रेसिडेंट इनको रिमूव नहीं कर सकते हैं, ओके, ये चीज ध्यान रखना। तो होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, बट इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट उनको जब चाहे हटा दें, जब तक आपके पास मेजोरिटी सपोर्ट है लोकसभा में तब तक प्रेसिडेंट आपको डिसमिस नहीं कर सकते हैं, ओके। बट अगर लोकसभा का कॉन्फिडेंस आप में नहीं है तब आपको रिजाइन करना पड़ेगा, और अगर आप नहीं करते हो तो प्रेसिडेंट आपको डिसमिस कर सकते हैं, ओके। तो प्राइम मिनिस्टर की जो टर्म है वो फिक्स नहीं होती है। अब भाई सैलरी कौन डिसाइड करेगा, तो भाई सैलरी अलाउंसेस ऑफ प्राइम मिनिस्टर दे आर डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट, ओके। और इनको जो सैलरी मिलती है ना वो बेसिकली एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाली सैलरी मिलती है, सैलरी एंड अलाउंसेस, ओके, ये चीज ध्यान रखना। इस पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो पार्लियामेंट डिटरमाइन करेगी एंड ही गेट्स द सैलरी अलाउंसेस दैट आर पेएबल टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ओके। अब बात करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की पावर्स क्या होती हैं और फंक्शंस क्या होते हैं। तो हमें यह तो पता है कि भाई रियल ऑथोरिटी प्राइम मिनिस्टर ही है, तो सारी पावर्स इनके पास ही होंगी देखा जाए तो देखते हैं कौन कौन सी पावर्स हैं। तो ये जो पावर्स हैं इनको फोर कैटेगरी में डिवाइड हम लोग करते हैं, इन रिलेशन टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, टू प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट एंड अदर पावर्स, ओके। तो मेनली हमारा फोकस होगा इन थ्री एरियाज में कि क्या पावर्स हैं, क्या फंक्शंस हैं, तो वन बाय वन इनको देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के संबंध में, क्या पावर्स हैं, क्या फंक्शंस होते हैं। तो देखिए हमने ये देखा था कि प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट, और जो दूसरे मिनिस्टर्स हैं उनको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, बट केवल उन्हीं लोगों को अपॉइंट कर सकते हो जिनको रिकमेंड किया है प्राइम मिनिस्टर ने, ओके। तो रिकमेंड्स पर्सन हु कैन बी अपॉइंटेड एज मिनिस्टर्स बाय द प्रेसिडेंट, आर्टिकल नंबर 75। तो कौन मिनिस्टर बनेगा ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेंगे प्राइम मिनिस्टर, ओके। इसके बाद वो जो मिनिस्टर है उनके पास क्या पोर्टफोलियो होगा, कौन सी मिनिस्ट्री होगी, फाइनेंस होगी कि डिफेंस होगी कि फॉरेन अफेयर्स होगा, ये भी प्राइम मिनिस्टर ही डिसाइड करते हैं, अलोकेशन भी वही करते हैं, रीशफल भी कर सकते हैं, ओके। तो प्राइम मिनिस्टर के पास बहुत सारी पावर्स होती हैं। इसके अलावा मान लो अगर कोई मिनिस्टर ऐसा है जिसके साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, या मान लो कि पीएम सेटिस्फाइड नहीं है, तो पीएम उसको कह सकते हैं कि भाई रिजाइन दे दो, ओके। और अगर मान लो वो नहीं दे रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर कैन एडवाइज द प्रेसिडेंट कि भाई ये जो मिनिस्टर है इनको डिसमिस कर दो, ओके। तो आपका अपॉइंटमेंट भी पीएम की वजह से है और आपका रिमूवल भी पीएम की वजह से है, ओके, इज दिस क्लियर। अब देखो जो पीएम है वो प्रिसाइड करेंगे ओवर मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो हमने देखा था 74, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज प्रेसिडेंट, ओके। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर, ऑलराइट। अब आगे बढ़ते हैं, देन मिनिस्टर्स को गाइड करना, कंट्रोल करना, डायरेक्ट करना, उनकी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करना, ये पूरा काम होता है किसका, प्राइम मिनिस्टर का। इसके अलावा कैन ब्रिंग अबाउट द कॉलेप्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाय रिजाइनिंग फ्रॉम ऑफिस। तो भाई देखो अगर मान लो प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया या उनकी डेथ हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो डिजोल्व हो जाएगी, ठीक है, वो डिसॉल्व हो जाएगी, क्योंकि हमने देखा था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो जब पीएम ही नहीं है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होके क्या करेगी। बट अगर मान लो कोई मिनिस्टर रिजाइन देता है या उसकी डेथ होती है, तो केवल एक वैकेंसी क्रिएट होती है, केवल एक वैकेंसी क्रिएट हो गई,
और ये डिपेंड करता है पीएम के ऊपर कि या तो वो किसी और को बना दे या खाली पड़ी रहेगी, क्या फर्क पड़ता है। ओके, तो ये सब पावर्स होती हैं प्राइम मिनिस्टर के पास। ओके, आगे बढ़े, अब बात करते हैं इन रिलेशन टू प्रेसिडेंट। तो भाई देखो, जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में, ठीक है, एक प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है। इसके अलावा देखिए आर्टिकल 78 हमने देखा था, ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर, कि प्रेसिडेंट कोई इंफॉर्मेशन सीक कर सकते हैं फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर। ओके, तो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, आर्टिकल नंबर 78। देन प्रेसिडेंट जब किसी को अपॉइंट कर रहे हैं, भले ही वो अटॉर्नी जनरल हो, सीएजी हो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, यूपीएससी मेंबर्स हो, तो प्राइम मिनिस्टर उनको एडवाइस करते हैं भाई किसको अपॉइंट करना है, और जिसको कहेंगे उसी को करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना। ओके, प्रेसिडेंट खुद से कुछ नहीं कर सकते हैं, जो पर्सनल डिस्कशन है वो काफी कम है और वो हम देख चुके। ओके, अब इन रिलेशन टू पार्लियामेंट, तो भाई पार्लियामेंट के जो सेशंस है उनको समन करना, उनको प्ररोक करना, इसके लिए एडवाइस कर सकते हैं प्रेसिडेंट को। इसके अलावा कैन ऑल्सो रिकमेंड डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा टू प्रेसिडेंट एट एनी टाइम, कि भाई डिसॉल्व कर दीजिए, फिर से इलेक्शन करवाइए, क्योंकि हाउस का कॉन्फिडेंस नहीं है। अनाउंसेस गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस, क्या पॉलिसीज होंगी उनको अनाउंस करते हैं। ऑलराइट, अब देखो हमने ये देखा था कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी के भी मेंबर हो सकते हैं, और इसमें भी इलेक्टेड भी हो सकते हैं, नॉमिनेटेड भी हो सकते हैं। जबकि ब्रिटेन में क्या है, जो पीएम वो हमेशा लोअर हाउस से होते हैं, लोअर हाउस, हाउस ऑफ कॉमन। इस पे क्वेश्चंस आते हैं, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। देखो अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है ना, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं एक दिन में तो रिप्लाई कर ही देता हूं। ओके, और देखो जो लोग अभी अभी जुड़े हैं उनको मैं फिर से बता दूं कि देखिए ऑलमोस्ट 50% सिलेबस हमने कर लिया है, तो प्रैक्टिस पे फोकस करिए, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए। और ये क्वेश्चंस कहां से मिलेंगे, टेस्ट सीरीज से मिलेंगे, और 22 जनवरी से हमारा टेस्ट सीरीज प्रोग्राम भी स्टार्ट हो रहा है, एक पेड कोर्स है, और इट इज कंप्लीटली अलाइंड विद अवर क्रैश कोर्स प्रोग्राम। तो आप यहां से रिवाइज कीजिए, वहां से प्रैक्टिस कीजिए, और क्या चाहिए, और यही तरीका होता है इस प्रीलिम्स को क्रैक करने का। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो भाई प्राइम मिनिस्टर तो हमने देख लिया है ना, अब बात करते हैं सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। तो देखिए प्राइम मिनिस्टर जैसे हैं वैसे ही चीफ मिनिस्टर भी हैं। ओके, जिस तरह से सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वैसे ही स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, फर्क नहीं है, आप एक बार देख भी सकते हैं खुद से। तो हमारा फोकस होगा प्राइम मिनिस्टर के ऊपर एंड सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर, इसको देख लेते हैं। अब देखो जो प्राइम मिनिस्टर है ये किसको हेड करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। देखो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है और इसमें एक पीएम होते हैं, है ना, और इसमें कैबिनेट होती है, ये स्ट्रक्चर होता है। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ये बहुत ही बड़ी एक बॉडी है, 70-80 मेंबर्स होते हैं, बट आप जानते हो कि इतने सारे मेंबर्स किस तरह से मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, डिसीजन लेंगे, तो एक छोटी बॉडी बना दी, वो क्या होती है, कैबिनेट। ओके, वो होती है कैबिनेट, इसमें 15-20 मिनिस्टर्स होते हैं, और इसका हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। तो ये डायग्राम याद करना, तो जो प्राइम मिनिस्टर है वो सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के भी हेड हैं, कैबिनेट जो है उसके भी हेड होंगे, और दोनों के मेंबर्स होते हैं, ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ जाएगी इस डायग्राम से। अब बात करते हैं सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। तो भाई देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज प्रेसिडेंट, तो इट इज द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। रियल जो अथॉरिटी है वो क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। अब बात करते हैं
कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। तो देखो आर्टिकल नंबर 74, 75 ये तो आपकी टिप्स पे होने चाहिए, मैं एक बार बता देता हूं कि इनका मतलब क्या है। देखिए देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब ये क्या हो गई, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई। देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मीन्स हमेशा ये बॉडी होनी चाहिए, ऐसा कोई टाइम नहीं आएगा जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अवेलेबल नहीं है। ओके, विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट को एडवाइस देंगे। हु शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस, तो ये जो एडवाइस है ना ये बाइंडिंग है प्रेसिडेंट के ऊपर। हाउएवर एक एक जस्ट कह लो कि प्रेसिडेंट को एक सुविधा दी गई है कि प्रेसिडेंट में रिक्वायर्ड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू रिकंसिडर सच एडवाइस एंड प्रेसिडेंट शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद एडवाइस टेंडर्ड आफ्टर सच रिकंसिडरेशन। मान लो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कुछ एडवाइस दी, इसको दी प्रेसिडेंट को दी, पर इनको लगता है कि यार ये एडवाइस सही नहीं है, तो उसको एक बार फिर से वो भेज सकते हैं। ओके, एंड फिर अगेन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनको भेजेंगे प्रेसिडेंट को, तो बस कहानी खत्म, अब तो आपको मानना ही पड़ेगा। तो केवल एक बार आप भेज सकते हो ना, आफ्टर सच रिकंसिडरेशन द एडवाइस टेंडर्ड बाय मिनिस्टर्स टू द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी इंक्वायर्ड इनटू एनी कोर्ट, क्या एडवाइस दी जा रही है उस पर इंक्वायरी नहीं हो सकती है इन एनी कोर्ट। ओके, ये चीज ध्यान रखना, दिस इज आर्टिकल नंबर 74 और इसको आप कंपेयर करो किससे, जो हमने गवर्नर में देखा था 163, 164, वहां से आपको कंपेयर करना है। ओके, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस है ना वो बाइंडिंग है ऑन प्रेसिडेंट, इस चीज को ध्यान रखना। ओके, अब आगे आते हैं 75 देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड अदर मिनिस्टर बाय प्रेसिडेंट ऑन एडवाइज ऑफ पीएम, ये हमने देख लिया। इसके अलावा देखो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना उसकी साइज को भी फिक्स किया गया है कि 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, इससे ज्यादा नहीं हो सकती है। अब देखो यहां पे राज्यसभा हो सकता है, यहां पे पार्लियामेंट लिखा हो सकता है कि 15% ऑफ राज्यसभा, 15% ऑफ पार्लियामेंट, तो कंफ्यूज नहीं होना है। व्हाट इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, ठीक है, तो उसके 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। आप देख सकते हैं कि अराउंड 80 के आसपास मेंबर्स आएंगे। तो दिस वॉज एडेड बाय 91st अमेंडमेंट एक्ट। अगला देखिए क्या प्रोविजन है, अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, या तो लोकसभा या राज्यसभा, बिलोंगिंग टू एनी पोलिटिकल पार्टी, जो कि ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन डिस्क्वालीफाई हो गया, तो जो मेंबर है ना वो डिस्क्वालीफाई हो गया, तो दैट मेंबर शेल बी डिस्क्वालीफाइड टू बी अपॉइंटेड एज मिनिस्टर, तो वो मिनिस्टर बनने के लिए भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ओके, दिस इज थर्ड प्रोविजन। देन द मिनिस्टर्स शेल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट जो है मिनिस्टर्स को रिमूव कर सकते हैं। ओके, तो मिनिस्टर्स को रिमूव करने की पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है, तो भले ही आप कॉन्फिडेंस इंजॉय कर रहे हो तब भी प्रेसिडेंट मिनिस्टर को हटा सकते हैं, बट यहां पे किसकी एडवाइस होगी, प्राइम मिनिस्टर की, हमने पहले देखा था। ओके, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल मीन्स लोकसभा। ओके, दिस इज द फाउंडेशन ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे टू द लोकसभा। देन प्रेसिडेंट शेल एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी टू ए मिनिस्टर, तो ये प्राइम मिनिस्टर भी एक मिनिस्टर है ना, ये बात ध्यान रखना। तो केवल और केवल प्रेसिडेंट के पास ये पावर है, तो प्रेसिडेंट ही एडमिनिस्टर करेंगे, और इन सब पे यूपीएससी ना घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है। इसके अलावा देखिए क्या लिखा हुआ है, अ मिनिस्टर हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर एनी पीरियड ऑफ 6 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स शैल सीज टू बी अ मिनिस्टर, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो कोई भी पर्सन मिनिस्टर बन सकता है, प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, मैक्सिमम 6 मंथ के लिए, ठीक है।
विद इन दिस पीरियड आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, तभी आप कंटिन्यू कर पाओगे, अदरवाइज मिनिस्टर आप नहीं रहोगे। इसके अलावा पार्लियामेंट विल डिसाइड क्या सैलरी मिलेगी, क्या अलाउंसेस आपको मिलेंगे मिनिस्टर्स को। तो ये साफ साफ लिख दिया 75 में, तो दिस इज आर्टिकल नंबर 74 एंड 75। अब देखो 77, 78 ये आप देख लेना, हम इन पे काफी बार बात भी कर चुके हैं। अभी हम बात करेंगे 88 की, आर्टिकल नंबर 88। तो एवरी मिनिस्टर शैल हैव द राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ आइदर हाउस। एवरी मिनिस्टर, तो भाई जो मिनिस्टर है ना वो या तो लोकसभा से होगा या राज्यसभा से होगा, है ना, यही तो होगा। तो इनके पास राइट होगा किस चीज का, टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ आइदर हाउस। तो भाई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लोकसभा से हो या आप राज्यसभा से हो, अगर आप मिनिस्टर हो ना तो आप दोनों हाउस में आपको राइट टू स्पीक होगा, आप वहां की जो प्रोसीडिंग्स हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, आप जॉइंट सिटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, एनी कमिटी ऑफ पार्लियामेंट उसमें आपके पास पार्टिसिपेशन का राइट होगा, ठीक है, स्पीक का राइट होगा, राइट टू स्पीक एंड पार्टिसिपेट इन प्रोसीडिंग ऑफ विच ही मे बी नेम्ड अ मेंबर। ऑलराइट, सो दिस इज आई थिंक क्लियर। बट देखो आप केवल पार्टिसिपेट कर सकते हो, जहां तक वोट देने की बात है, वोटिंग की बात है, तो वो तो केवल उसी हाउस में आप कर सकते हो जिसके आप मेंबर हो, ठीक है। तो अगर कोई मिनिस्टर लोकसभा से है तो वो राज्यसभा में भी पार्टिसिपेट कर सकता है, बट अगर यहाँ पे वोटिंग होती है तो यहाँ पे वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा वोटिंग में, लेकिन वो राइट टू स्पीक होगा एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग। इज दिस क्लियर? सो दिस इज आर्टिकल नंबर 88। अब देखो ये जो हमने आर्टिकल नंबर 74 देखा, तो हमने देखा कि एडवाइस कौन दे रहा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है एडवाइस दे रहे हैं किसको, प्रेसिडेंट को एडवाइस दे रहे हैं, ओके। अब 1971 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इवन आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डज नॉट सीज टू होल्ड ऑफिस। तो मान लो कि लोकसभा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, किसी टाइम पे कॉन्फिडेंस चला गया, ठीक है, डिसोल्यूशन हो गया मान लो, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डज नॉट सीज टू होल्ड ऑफिस, मतलब वो बने रहेंगे, क्योंकि देखिए क्या लिखा हुआ है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट बिना इनकी एडवाइस के काम नहीं कर सकते हैं, अगर करेंगे तो दैट विल बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इसलिए ये हमेशा बने रहेंगे, ओके, ये हमेशा बने रहेंगे। अब दूसरी बात, वेर एवर द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स द सेटिस्फेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इसका मतलब उनका पर्सनल सेटिस्फेक्शन नहीं है बल्कि सेटिस्फेक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। और यही बात मैं आपको चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं, ठीक है, कि प्रेसिडेंट खुद से कुछ नहीं करते हैं, यहां पे भी लिखा है प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन, इट इज द सेटिस्फेक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ओके। तो अगर लोकसभा डिसॉल्व भी हो जाती है, ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बने रहेंगे, ओके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बने रहेंगे टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, ओके, इज दिस क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स कौन करेगा, बेसिकली प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ओके, एंड ये हम देख चुके हैं कि अगर आप हाउस के मेंबर भी नहीं है तब भी आप मिनिस्टर बन सकते हैं, ओके, एंड विद इन 6 मंथ आपको मेंबरशिप लेनी होगी, इलेक्शन भी नॉमिनेशन भी कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों से आप बन सकते हो, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब बात आती है ओथ एंड सैलरी, तो सेम प्रोविजंस होंगे, प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर करवाएंगे ओथ एंड ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी, एंड जो सैलरी है पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, ओके, और इनको भी एमपी की सैलरी मिलेगी सेम एज प्राइम मिनिस्टर। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई आर्टिकल 75 ने क्या कहा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, यही तो कहा ना, तो दे आर कलेक्टिवली आंसरेबल, इनकी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू द लोकसभा फॉर द पॉलिसीज डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट, ओके।
जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एज ए टीम काम करेंगे, स्विम टुगेदर एंड सिंग टुगेदर, मतलब या तो साथ साथ आगे बढ़ेंगे और डूबेंगे तो भी साथ साथ डूबेंगे। तो अगर अगर लोकसभा नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करती है तो हर मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा, हालांकि इंडिविजुअली नहीं करना पड़ता है, पीएम कर देते हैं, वो बात एक ही है ना, तो एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा, वो मिनिस्टर भी जो राज्यसभा से बिलोंग करते हैं। दिस इज द मीनिंग ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, ऑल द मिनिस्टर्स हैव टू रिजाइन इंक्लूडिंग फ्रॉम द राज्यसभा। ओके, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अब इसका एक मीनिंग और है, वो ये है कि एक बार कैबिनेट ने जो डिसीजन ले लिया तो अब वो डिसीजन बाइंडिंग है। देखो, ये हो सकता है कि कैबिनेट मीटिंग में आप एग्री नहीं कर रहे हो कि भाई ये डिसीजन मत लो, बट एक बार जब कैबिनेट ने डिसाइड कर लिया कि दिस इज द डिसीजन, अब ये सब पे बाइंडिंग है, तो उसको आपको डिफेंड करना पड़ेगा बोथ विद इन एंड आउटसाइड द पार्लियामेंट। आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते हो। अगर जा रहे हो एंड यू आर नॉट प्रिपेयर टू डिफेंड इट, आपको रिजाइन करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा। ओके, दिस इज प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रिंसिपल को इंश्योर करने के लिए इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक कोई ऐसा ऑफिस नहीं होगा जिसके पास पावर होगी आपको अपॉइंट करने की और आपको रिमूव करने की, तब तक यू कैन नॉट इंश्योर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। और यहां पे बात आती है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। तो भाई आर्टिकल 75 क्या बोलता है कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है ना, प्रेसिडेंट कैन रिमूव अ मिनिस्टर इवन एट अ टाइम व्हेन काउंसिल एंजॉयज द कॉन्फिडेंस, बट यहाँ पे पीएम को कहना पड़ेगा प्रेसिडेंट को कि भाई इनको हटा दो। ओके, प्रेसिडेंट रिमूव्स द मिनिस्टर ओनली ऑन द एडवाइज ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर के कहने पे ही आपको अपॉइंट किया जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर के कहने पे ही आपको हटाया जा रहा है। तो जब किसी ऑफिस के पास ये पावर होगी तभी तो आप कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योर कर सकते हो। ओके, सो दिस इज इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब अगला टॉपिक है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, अगर हम बात करें ब्रिटेन की, तो वहां पे एवरी ऑर्डर ऑफ किंग और क्वीन, ठीक है, तो मिनिस्टर उसको काउंटर साइन करते हैं। ठीक है, तो अगर वो लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है, किसी लॉ को वायलेट कर रहा है, तो दैट मिनिस्टर वुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल और फिर कोर्ट में पेशी हो सकती है। बट ये सिस्टम इंडिया में नहीं है, हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपको काउंटर साइन करना पड़ रहा है। सो देर इज नो सिस्टम ऑफ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन केस ऑफ इंडिया, बट ये हमें देखने को मिलता है ब्रिटेन में। इस पे भी क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं, इस पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, आगे बढ़े, चलिए अब अगला आता है कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इस पे क्वेश्चन आया था रिसेंटली। तो भाई जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ये बहुत ही वाइडर एक बॉडी है, 70-80 के आसपास मिनिस्टर्स होते हैं। ओके, तो इसका कंपोजिशन क्या है, देखिए, एक तो कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे, कुछ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होंगे, कुछ डेप्यूटी मिनिस्टर्स होते हैं एंड कुछ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज होते हैं। तो ये सारे ही पार्ट होते हैं किसका, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी कैबिनेट मिनिस्टर होगा वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी होगा, बट जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा जरूरी नहीं कि वो कैबिनेट मिनिस्टर भी हो। ये चीज समझ में आ रही है? तो दिस इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और इसमें एक छोटी सी बॉडी होती है कैबिनेट, इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो अब इन सबको डिस्कस करते हैं। अब देखो, कैबिनेट मिनिस्टर्स, ये इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री जो होती हैं उनको हेड करते हैं ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे कि फाइनेंस,
डिफेंस, होम मिनिस्ट्री, ठीक है, तो ये सब कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, ये कैबिनेट के मेंबर्स होंगे, उसकी मीटिंग्स को अटेंड करते हैं। ओके, तो भाई जो कैबिनेट मिनिस्टर होगा इसका जो पॉलिटिकल स्टेटस होगा ना वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अदर मिनिस्टर्स, ठीक है, ये मतलब होता है कैबिनेट मिनिस्टर्स का, इनकी रैंक जो है ज्यादा होगी। अब जो सेकेंड टाइप है वो क्या है, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। अब देखो इसमें भी दो तरह के होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट चार्ज और एक होता है अटैचमेंट। तो भाई इंडिपेंडेंट चार्ज का मतलब ये है कि किसी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट का चार्ज आपको दे दिया जाएगा इंडिपेंडेंट, तो जो काम कैबिनेट मिनिस्टर कर रहे हैं वही काम आपको करना है। ओके, तो दिस इज मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, परफॉर्म द सेम फंक्शन, एक्सरसाइज द सेम पावर्स इन रिलेशन टू देयर मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स एज कैबिनेट मिनिस्टर्स डू, बट ये कैबिनेट के मेंबर नहीं होते हैं और जो कैबिनेट की मीटिंग्स होती हैं उनको अटेंड नहीं करते हैं अनलेस स्पेशली इनवाइटेड। अगर इनका जो डिपार्टमेंट है, इनका जो मिनिस्ट्री है, अगर उसका कुछ मैटर डिस्कस हो रहा है तब इनको बुलाया जा सकता है। ओके, अब नेक्स्ट वन इज मिनिस्टर ऑफ स्टेट अटैचमेंट। ओके, अटैच टू कैबिनेट मिनिस्टर्स, तो भाई इस कैटेगरी में जो मिनिस्टर्स होंगे ना इनको किसी डिपार्टमेंट का चार्ज मिल सकता है, ओके, या फिर एक मिनिस्ट्री में कोई स्पेसिफिक आइटम ऑफ वर्क इनको दिया जा सकता है, ये दोनों काम हो सकते हैं, बट यहाँ पे ओवरऑल सुपरविजन रिस्पॉन्सिबिलिटी वो किसकी होती है, कैबिनेट मिनिस्टर की होती है, ये चीज ध्यान रखना। ओके, तो ये दो कैटेगरी होती हैं। अगला आता है डेप्यूटी मिनिस्टर्स, तो भाई इनके पास कोई इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं होता है, जो दूसरे मिनिस्टर्स हैं हायर रैंक वाले कैबिनेट मिनिस्टर्स या मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स उनके साथ इनको अटैच कर देते हैं और ये उनको असिस्ट करते हैं, ठीक है, कैबिनेट के मेंबर नहीं होते हैं, उसकी मीटिंग्स को अटेंड नहीं करते हैं। और जो आखिरी कैटेगरी वो क्या है, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज। अब देखो ये लास्ट कैटेगरी है, कोई डिपार्टमेंट इनके पास नहीं होता है, जो सीनियर मिनिस्टर्स हैं ठीक है उनके साथ अटैच कर देंगे, ये उनकी हेल्प करते हैं, बस उनको असिस्ट करते हैं। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये जो कैटेगराइजेशन है क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया हुआ है, अगर हाँ तो किस आर्टिकल में, और अगर नहीं तो कहाँ पे इसको मेंशन किया गया है, ये आपको मुझे बताना है इन द कमेंट सेक्शन। ओके, तो ये आपका होमवर्क है, आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वर्सेस कैबिनेट, भाई इनमें क्या फर्क होता है, इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और काफी कुछ तो हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए पहला फर्क क्या है कि भाई मेंबरशिप कितने लोगों की होती है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है इसमें 70 to 80 मेंबर्स होते हैं, बहुत ही वाइडर एक बॉडी है, ये क्या है, एक वाइडर बॉडी है, जबकि यहां पे अराउंड 15 to 20 मेंबर्स होते हैं जिनके पास इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज होते हैं। ओके, देन दूसरा सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इसमें सारी कैटेगरी शामिल होती है ना, ये ब्रॉडर कैटेगरी है, जबकि जो कैबिनेट है वो इसका एक पार्ट है, ये सेकंड डिफरेंस है। ओके, अब देखो रेगुलरली कौन मीट करेगा, इट इज नॉट पॉसिबल कि 70-80 आदमी रेगुलरली मीट कर रहे हैं, तो ये रेगुलरली मीट नहीं करते हैं, कैबिनेट रेगुलरली मीट करती है और डिसीजन लेती है, वो डिसीजन सबको मानने होते हैं, बाइंडिंग होता है। ओके, इज दिस क्लियर। अब देखो अगर हम बात करें कि इन थ्योरी किसके पास रियल पावर्स है, तो इन थ्योरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास रियल पावर्स है, बट इन प्रैक्टिस कैबिनेट के पास रियल पावर्स होती हैं। ओके, हमने देखा था 74-75 ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बट अगर हम कैबिनेट की बात करें तो भाई जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कैबिनेट वर्ड यूज नहीं किया गया था, बट बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट कैबिनेट वर्ड को इंसर्ट किया, कहां पे, आर्टिकल नंबर 352 में, हमने हमने देखा था ना रिटर्न रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट,
तभी आप नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हो, वही चीज है 352। और यहाँ पे क्या लिखा है, कैबिनेट मतलब काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ पीएम एंड अदर मिनिस्टर्स ऑफ कैबिनेट रैंक अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल नंबर 75। तो इस तरह से डिफाइन किया गया है। ओके, तो ये डिफरेंसेस है अब बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड कैबिनेट, जो आपको याद हो जाएंगे। तो 352 हमने देखा था कि अगर इमरजेंसी लगानी है तो जो कैबिनेट है उसका रिटर्न रिकमेंडेशन आपको चाहिए, तो वहीं पे फिर इसको डाला गया था। ओके, क्लियर है? तो अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द रोल ऑफ कैबिनेट, तो हम कह सकते हैं हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है ना, चीफ पॉलिसी फॉर्मुलेटिंग बॉडी, क्योंकि यही रेगुलरली मीट करती है, डिसीजन लेती है। ओके, सुप्रीम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। ओके, 15 से 20 मेंबर इसमें होंगे, तो दिस इज द रोल ऑफ कैबिनेट। और इसी के साथ जो कैबिनेट वाला चैप्टर है, अच्छा एक टॉपिक बाकी है इसमें ना, वो है किचन कैबिनेट, इसको भी देख लेते हैं। तो भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अराउंड 80 के आसपास मेंबर्स हैं, कैबिनेट अराउंड 15 to 20 मेंबर्स हैं। तो इसमें भी डिफिकल्टीज आती है कि बार बार 15 से 20 लोगों को इकट्ठा करो, फिर मीटिंग करो, डिसीजन लो। तो इससे भी छोटा एक प्लेटफॉर्म है, वो क्या है, किचन कैबिनेट। ओके, इट्स अ इनफॉर्मल बॉडी, इनफॉर्मल बॉडी है। तो इसमें 4 से 5 मेंबर होते हैं बस, एक तो पीएम होंगे एंड 2 or 4 इन्फ्लुएंशियल कलीग्स, मिनिस्टर्स भी हो सकते हैं, इनके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं। ओके, और ये लोग डिसाइड करेंगे कि क्या डिसीजन लेना है, और फिर वही डिसीजन माना जाएगा कैबिनेट का, वही माना जाएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि ये जो किचन कैबिनेट है, इसमें वो लोग भी हो सकते हैं जो कि चुने हुए नहीं है, तो अकाउंटेबिलिटी का इश्यू आता है। ठीक है, कि भाई आप कैसे इंश्योर करोगे कि ये बॉडी अकाउंटेबल है, क्योंकि भाई अगर सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कोई डिसीजन लिया तो उनको तो आप हटा सकते हो ना, उनकी तो अकाउंटेबिलिटी है, बट इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। तो दिस इज किचन कैबिनेट। अब इंडिया में भी देखने को मिलती है ये चीज। अब बात करते हैं कैबिनेट कमिटीज की। अब देखो, हमने देखा था कि जो कैबिनेट है 15 से 20 मिनिस्टर्स होते हैं। अब देखो, मान लो कोई पॉलिसी मैटर आया या कोई इश्यू आया, तो उसका इन डेप्थ एग्जामिनेशन आपको करना पड़ेगा, तभी आप डिसीजन ले सकते हो। तो भाई ये 15 से 20 लोग हमेशा नहीं बैठेंगे, एक्सपर्टीज का भी इश्यू हो सकता है, तो कमिटीज बना दी जाती हैं। इसमें कम लोग होते हैं और उनका काम होता है कि आप इन डेप्थ एग्जामिनेशन करो किसी इशू का। ठीक है, तो क्योंकि कैबिनेट के पास इतना वर्कलोड होता है, हर चीज पे आप फोकस नहीं कर सकते हो, तो स्पेसिफिक कमिटीज बना दी कि भाई आपको इन डेप्थ एग्जामिनेशन करना है। ओके, ये होती है कैबिनेट कमिटीज, ऑर्गेनाइजेशनल डिवाइस टू रिड्यूस द इनॉर्मस वर्कलोड ऑफ कैबिनेट। ओके, टू फैसिलिटेट इन डेप्थ एग्जामिनेशन ऑफ पॉलिसी इश्यूज एंड इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। अब देखो, एन गोपाल स्वामी अयंगर, ये जो कमिटी थी, इन्होंने एडवोकेट किया था फॉर्मेशन ऑफ परमानेंट स्टैंडिंग कमिटी ऑफ कैबिनेट ओवर डेजिग्नेटेड सब्जेक्ट्स। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई इसकी रिकमेंडेशन थी एन गोपाल स्वामी अयंगर। ओके, 1949। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, दीज आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, इनका मेंशन नहीं है कहां पे इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, बट जो रूल ऑफ बिजनेस है ना, दे प्रोवाइड फॉर देयर एस्टेब्लिशमेंट। तो दीज आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइसेस, और दो तरह की होती हैं, स्टैंडिंग एंड एडहॉक। जो स्टैंडिंग होगी वो परमानेंट होगी,
जो एडहॉक है वो टेम्पररी होती है। मीन्स कोई स्पेसिफिक इश्यू आया, आपने कमिटी बना दी और जैसे ही टास्क कंप्लीट हुआ उसको आपने डिसबैंडन कर दिया, तो ये होती है एडहॉक कमिटी। बट जो स्टैंडिंग कमिटी वो परमानेंट होती है। ओके, और ये जो कमिटीज हैं दीज आर सेटअप बाय प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, टास्क के हिसाब से। तो प्राइम मिनिस्टर इनको सेटअप करते हैं एंड जो इसके नंबर्स होंगे, कंपोजिशन, नोमेनक्लेचर, वो टाइम टू टाइम वेरी करता रहता है। ओके, बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल दो तरह की होती है एंड प्राइम मिनिस्टर इनको सेटअप करते हैं। ओके, मेंबरशिप 3 से 8 हो सकती है और छोटी बॉडी होगी तो आप फ्रीक्वेंटली मीट कर सकते हो और इन डेप्थ जो है आप एग्जामिन कर सकते हो। ओके, अब देखो यूजुअली ओनली कैबिनेट मिनिस्टर्स ही इनमें पार्टिसिपेट करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो नॉन कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो अलाउड नहीं है, उनको डिबार नहीं किया गया, उनको भी शामिल किया जा सकता है, बट जनरली कैबिनेट मिनिस्टर्स ही इसमें इंक्लूड होते हैं और इस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मान लो कोई कमिटी ऐसी है जिसमें पीएम भी उसके मेंबर है, तो ऑब्वियसली बात है कि वही उसको प्रिसाइड करेंगे और जनरली प्राइम मिनिस्टर ही हेड होते हैं कैबिनेट कमिटी के, कुछ में नहीं भी होते हैं वो देखेंगे, बट मोस्टली हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। अब देखो टोटल 8 कमिटीज हैं, कैबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर, भाई ये सबसे ज्यादा पावरफुल कमिटी है, इसको सुपर कैबिनेट भी कहते हैं, इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, अपॉइंटमेंट कमिटी, सिक्योरिटी, पार्लियामेंट्री अफेयर्स, अकोमोडेशन, और अभी 2 नई कमिटी बनाई गई है ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। देखो जो पार्लियामेंट्री अफेयर कमिटी है इसको होम मिनिस्टर हेड करते हैं, अकोमोडेशन वाली कमिटी को भी होम मिनिस्टर हेड करते हैं, और बाकी सब में होते हैं प्राइम मिनिस्टर। ओके, ये चीज ध्यान रखना। ओके, ये चीज ध्यान रखना, ऑल कमिटीज एक्सेप्ट अकोमोडेशन एंड पार्लियामेंट्री अफेयर दे आर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। अब आज के आखिरी टॉपिक की बात करते हैं, वो है पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, इस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, तो देखिए ओरिजिनली इट वॉज सेटअप एज प्राइम मिनिस्टर्स सेक्रेटेरिएट इन 1947 एंड 77 में इसका नाम चेंज होता है पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। अब देखो ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये चीज ध्यान रखना, मीन्स आउटसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट इसको एक स्टेटस ऑफ डिपार्टमेंट मिला हुआ है, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। इसका स्टेटस क्या है, डिपार्टमेंट का है, इसको कौन हेड करता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, इट इज हेडेड बाय प्रिंसिपल सेक्रेटरी। तो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर के इमीडिएट स्टाफ इसमें होंगे, सपोर्ट स्टाफ होंगे, और इनका काम क्या होता है, टू प्रोवाइड असिस्टेंस इन डिसीजन मेकिंग एट द टॉप लेवल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये काम होता है पीएमओ का। ओके, कौन हेड कर रहा है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी। डाउट होता है कि जो कैबिनेट सेक्रेटरी है वो इसको हेड करते हैं, नहीं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी इसको हेड करते हैं। ओके, तो आई होप दिस इज क्लियर, और इसी के साथ जो हमारा आज का सेशन है इसको हम एंड करेंगे, एंड आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा, कुछ आपको सीखने को मिला होगा, काफी अच्छे से आपका रिवीजन हो जाएगा। तो अगर ऐसा है तो प्लीज लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इन वीडियोस को शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए आपके फ्रेंड्स में, ताकि वो भी हमारे इस फ्री इनिशिएटिव का फायदा उठा सके। और फिर से मैं बता दूं, प्रैक्टिस करना जरूरी है, आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि इट इज अलाइंड विद दिस प्रोग्राम। ओके, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। इसी के साथ ऑल द बेस्ट, गुड बाय एंड जय हिंद।